तो गाइज वीवो मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे करें? सिंपल, आप क्या करना है, अपना मोबाइल अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आया है तो आप सेटिंग में जाएं। सेटिंग में जाने के बाद आप इसे थोड़ा स्क्रॉल करें, नीचे आए आप देखेंगे यहाँ पे सिस्टम अपडेट, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे न्यू वर्जन फाउंड 371 MB। डाटा चेक कर लें आपके पास सफिशियंट है या नहीं, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है अपडेट ज़्यादा बड़ा होता है, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB का। और मोबाइल की बैटरी चेक कर लें 50% से ऊपर हो तो। आप यहाँ नीचे देख रहे हैं इंस्टॉल नाउ, आप यहाँ पर टैप करेंगे। तो आप देख रहे हैं इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड। जब भी आप ऐसे अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करें फ़ोन का तो आप कोई बटन प्रेस ना करें। अगर एक बार आपके फ़ोन की स्क्रीन ऐसी है जो ब्लैक हो जाती है, ये इंस्टॉल करता है जब सॉफ्टवेयर को, तो इस दौरान आप कोई बटन प्रेस ना करें इसका। अब ये देख रहे हैं लगभग इंस्टॉल हो चुका है, और अब ये मोबाइल ऐप आपके मोबाइल में जितने भी उन्हें ऑप्टिमाइज कर रहा है ये। इस तरह का जिसमें 5, 10 या 20 मिनट भी लग सकती हैं, आप कोई बटन प्रेस ना करें जब तक ये स्क्रीन आपके सामने ना आ जाए। तो आप देखेंगे हमारे मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो चुका है।